यस बेटा, गुड इवनिंग। अब बेटा होप सो गुड कि आप लोग घर में मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज जिस मेहनत से टीचर लगा हुआ है, जितनी तैयारियां हम करवा रहे हैं, आप लोग पूरी मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा चलते हैं। हमारे पास जो कंसेप्ट था, दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर था, और एटम के स्ट्रक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटोन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनकी डिस्कवरी का कंसेप्ट आपको दिया था कि कैसे करके भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और इनके ऊपर कितना चार्ज, कितना मास था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब्रिविएट करके, जो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर चार्ज कितना है, इनका सिम्बॉल क्या है, इनका मास क्या है, इनकी डिस्कवरी किसने की है, वो एक चार्ट बना के आपको देता हूँ। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसका मैं चार्ट आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे द फर्स्ट वन, दिस वन पार्टिकल, कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन है। ठीक है बेटा, एक टर्म ये आएगा। इसके बाद ऐसा करते हैं कि इसका इसका सिंबल क्या है वो लिखेंगे, सेकंड वन। थर्ड वन ऐसा करते हैं कि इसके अंदर जो इसका मास बनेगा वो मास लिखेंगे। नाउ आफ्टर मास यहां लिख देंगे चार्ज लिखेंगे, और इसके बाद ऐसा करेंगे देयर इज, यहां लिखेंगे डिस्कवरर। ठीक है बेटा, किसने डिस्कवरी की है। सो वन बाय वन, सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल में आया हमारे पास, इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, पहला फंडामेंटल पार्टिकल आया इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल बनता है उसे माइनस वन हो गया और ई हो गया और जीरो, ऐसे करके डिनोट करते हैं। इसके बाद यहां इसका जो मास बनता है वो मास हम लिखते हैं 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। ये केजी में आ गया। या इसको हम लिखते हैं दिस वन 0.00000054 amu, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बेटा, चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज लिखा जाता है −1.602 × 10⁻¹⁹ कूलाम, या अगर आप इसको ESU में लिखना चाहते हैं तो इसे लिखेंगे बेटा −4.803 × 10⁻¹⁹ −10 ESU करके इसे लिखा जाता है। और डिस्कवरी की अगर बात करें तो इसके बारे में आपको बता रखा, दिस वन यहाँ पे नाम आया थॉमसन, सर जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन बोला जाता है। ये तो आया बेटा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा जो फंडामेंटल पार्टिकल आया उसका नाम आया दिस वन प्रोटॉन। प्रोटॉन को 1H1 से हमने डिनोट किया। यहां जो मास आता है 1.672 × 10⁻²⁷ kg लिखा बेटा, या इसे लिखा जाता 1.00727, ये लिखा गया दिस वन amu, ऐसे करके इसे लिखा amu में। यहां जो चार्ज बना बेटा इसे लिखा गया 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलाम हो गया, या ESU में इसे लिखेंगे तो यहां लिखेंगे −4.803 × 10⁻¹⁹ हो गया। और जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी, दिस वन ई गोल्ड स्टीन के नाम से साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिस्कवरी की थी। इसके बाद द थर्ड वन, अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन की अगर बात करूं, तो थर्ड जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल बना उसे नाम दिया न्यूट्रॉन नाम दिया। और जो न्यूट्रॉन है इसको यहाँ जीरो लिख दिया, ये एन हो गया और ये वन हो गया, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ जो मास बनता है इट जस्ट इक्वल टू 1.674 या 75 से लिख देते हैं, थोड़ा आगे भी लिखते हैं 9 लिख देते हैं, × 10⁻²⁷ क्या बनेगा, केजी बनेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, या अगर आप यहां देखें तो अगर 2 डेसिमल पॉइंट तक देखें तो 1.67 यहां भी है, 1.67 यहां भी है, तो हम जनरली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाते हैं। या इसे लिखा जाता है 1.00867, इसे ऐसे लिख दिया।
इतना लिखा हमने, दिस वन एएमयू में ऐसे लिख दिया। इसके ऊपर जो चार्ज होता है नो चार्ज, ये अपने आप में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी दैट वाज चैडविक नाम से जो साइंटिस्ट आए थे। ठीक है बेटा, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, साइंटिस्ट कौन थे बेटा। पहला कंसेप्ट या चार्ज, इनके ऊपर क्या क्या आया चार्ज। हमारे पास यहाँ पे कूलाम का चार्ज है और ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो बना। ESU का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो चार्ज आया वो आया -4.803, ये आया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और प्रोटॉन का, क्योंकि चार्ज तो दोनों का क्या होता है, सेम होता है, लेकिन केवल और केवल जो चार्ज का नेचर है वो नेचर अलग है, क्योंकि इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव लिखना था, ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है बेटा, और जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, इस न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। इसके बाद इनका मास यहाँ पे लिखा गया, मास को दो तरीके से लिखा गया, एक तो केजी में लिखा गया और एक किस में लिखा गया, एएमयू में। याद रखेंगे सभी बच्चे, एएमयू सभी बच्चों को सिखा रखा कि 1 AMU बराबर होता 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, या जो बराबर 1.67 × 10⁻²⁷ kg। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एएमयू है, एटॉमिक मास यूनिट, उसकी वैल्यू मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ये एएमयू में हमने मास लिखा, यहाँ पे एएमयू के अंदर मास लिख दिया, और यहाँ पे सिंबल क्या है, कैसे करके इलेक्ट्रॉन को आपने रिप्रेजेंट किया, कैसे प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया और कैसे करके न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। ठीक है बेटा, तो दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि ये अपने आप में क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एंड दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। जितने भी सारे एटम्स होते हैं उन सभी एटम्स में ये फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन हो गया, या प्रोटॉन हो गया, या न्यूट्रॉन हो गया। लेकिन हम क्या लिख देते हैं, हम लिखते हैं एक चीज ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्या लिखते हैं बेटा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर आपने लिखा 1H1, तो इसके अंदर जो प्रोटॉन बना वो प्रोटॉन कितना आया, 1 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। व्हाट द कांसेप्ट, तो जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी एटम्स हैं, वो सभी के अंदर होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। लेकिन केवल हाइड्रोजन की अगर बात करें बेटा, तो हाइड्रोजन के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें से क्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। गॉट द कांसेप्ट, 1H1 इसे हमने क्या किया, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन को भी। तो ये आया बेटा हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स बने। अब किसी भी एटम के अंदर जो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनके अलावा कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने कि फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा भी क्या होते हैं, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। और वो जो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं, अगर आपको ध्यान होगा आपने नाम सुना है, जैसे मीसोन हो गया, या जैसे मान लो पॉजिट्रॉन हो गया, या जैसे न्यूट्रिनो हो गया, या एंटी न्यूट्रिनो हो गया। ठीक है बेटा, दीज ऑल आर द, ये अपने आप में कैसे बेटा, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ये भी एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन्हें क्या नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये तो था बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और उसके ऊपर जितना भी सारा जो वर्क था वो सारा का सारा कंप्लीट करके मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अब हम चलते हैं इसके बाद, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इसके बाद हमारे पास जितना भी एटॉमिक मॉडल था, चाहे वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल हो, चाहे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो, चाहे बोहर एटॉमिक मॉडल हो, ये मॉडल आएंगे। लेकिन इन मॉडल को समझने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे सिखाने वाला हूँ रिगार्डिंग चार्ज। चार्ज के बारे में कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि चार्ज का बहुत बड़ा रोल है इस लेसन के अंदर। चार्ज को समझना आपने, चार्ज होता क्या है। तो पहले मैं जो चार्ज है उस चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं उसको मैं डिफाइन करता हूँ, और ये जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो फिजिक्स के अंदर आपको बहुत डिटेल में करवाई जाती है,
लेकिन यहाँ जितना रूटीन में हमें चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, वो मैं आपको आपके हिसाब से यहाँ प्रोवाइड करवाता हूँ। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारी जो हेडिंग आई दिस वन, यहां हम लिखेंगे दिस वन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर बनते हैं, वन बाय वन में डिफाइन करवा रहा हूं। द फर्स्ट वन यहां लिखूंगा कि द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। द चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड दैट इज करके लिखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज्ड? दैट इज इट इज ऑलवेज इन इंटीजर वैल्यू और इट इज फिक्स्ड। इंटीजर वैल्यू और फिक्स्ड ऑफ ई। ध्यान से सुनेंगे यहां क्या बोला गया कि जो चार्ज है वो चार्ज अपने आप में क्वांटाइज्ड है। चार्ज कैसा है? क्वांटाइज्ड है। और ये जो चार्ज क्वांटाइज्ड है ये हमेशा हमेशा कैसा होता है? इंटीजर वैल्यू के साथ में होता है। चार्ज हमेशा इंटीजर वैल्यू के साथ में होता है। चार्ज फिक्स होता है, चार्ज इंटीजर वैल्यू के साथ में होता है। और किसकी इंटीजर वैल्यू? जो ई यहां पे हमने लिया उस ई का इंटीजर वैल्यू होता है। ई का मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज है। मुझे ध्यान से सुनो क्या बोला गया कि जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये सोडियम है बेटा, सोडियम 11 को आपने लिखा 2, 8 और 1 लिखा, और हम बोलते हैं कि ये जो सोडियम है ये सोडियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया भाई इसने? एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। बहुत क्लियर है बेटा, ये तो सभी को ध्यान होना चाहिए कि सोडियम अगर गैसेस फॉर्म में है तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो आपने इसे 2 और 8 ऐसे लिख दिया। तो यहां इसने लॉस कितना किया? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। ये कभी नहीं बोला जाता कि जो सोडियम है ये सोडियम 1/2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। यस एंड नो, ऐसा कभी नहीं बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी चार्ज को लेंगे तो उसको इंटीजर वैल्यू के साथ में लेंगे, कभी भी चार्ज को फ्रैक्शनल नहीं लेंगे। पहला पॉइंट सभी को समझ में आ जाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो क्लोरीन है उसने आधा इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, वो हमेशा और हमेशा इंटीजर वैल्यू के साथ में होगा। मतलब 1 के बाद जो नंबर आएगा वो 2 का आएगा, 2 के बाद जो नंबर आएगा वो 3 का आएगा, जो इंटीजर वैल्यू है उनके साथ में। कभी भी 1 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू चार्ज के अंदर नहीं लेंगे। दिस वन इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। जहां पे आप एक पूरी वैल्यू को ले रहे हैं, जहां फ्रैक्शनल वैल्यू को नहीं ले रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। बहुत क्लियर है बेटा। यहां पे जो चार्ज है उस चार्ज को लिखा जाता है चार्ज क्यू इक्वल टू होता है दिस वन, चार्ज क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू ई। बहुत क्लियर है बेटा। जहां पे एन अपने आप में क्या है? दिस वन इज कॉल्ड इंटीजर। सभी बच्चों को ध्यान रखना, किसका इंटीजर बना? ई का बना। व्हाट डू यू मीन बाय ई? दिस वन चार्ज। किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। दिस वन एन, एन इंटू क्या बन गया? ई बन गया। गॉट द कंसेप्ट? पहला पॉइंट बना। नाउ सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां बोलेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज अगर मैं बोलूं तो भी चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं? हम बोलेंगे बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। जो चार्ज है उस चार्ज के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन होता है भाई? पहले वाले को बोलेंगे बेटा दिस वन पॉजिटिव चार्ज। पहले वाले को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। द फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज। सेकंड वाले को बोलेंगे दिस वन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। कितने टाइप बने चार्ज के? 2 टाइप बन गए। एक को बोला हमने द फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज, द सेकेंड वन नेगेटिव चार्ज।
जैसे मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेता हूं बेटा, सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज आप काउंट करते हैं, और अभी भी मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज है आपने लिया -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, दिस इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक प्रोटॉन का चार्ज लिखो तो प्लस लिखा 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। ध्यान से सुनिए, यहां यहां मैंने जो चार्ज लिया है, क्या इन दोनों इन चार्ज के बीच में कोई अंतर है? इज देयर इज एनी डिफरेंस? कौन ज्यादा है कौन कम है, क्या ऐसा है इसमें? इसमें ऐसा नहीं है बेटा। चार्ज ये मैथमेटिकली हम यहां नहीं जाएंगे, हम इसे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ेंगे। और यहां पे ये जो केवल हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये माइनस में है, और जो प्रोटॉन का चार्ज है वो पॉजिटिव में है, लेकिन ये चार्ज अपने आप में क्या है, सेम है। केवल और केवल इनका जो नेचर है, चार्ज अपने आप में क्या है, सेम है बेटा। बट चार्ज का जो नेचर है वो नेचर कैसा नेचर है बेटा, दिस वन अपोजिट इन नेचर। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास चार्ज आया वो चार्ज चाहे माइनस में लिख रहे हैं चाहे प्लस में लिख रहे हैं, लेकिन ये है अपने आप में क्या है, सेम है, बराबर है, लेकिन इसका नेचर चेंज हो गया। यहां अपोजिट कैसे हो रहा है, एक नेगेटिव का बना और दूसरा किसका बना, पॉजिटिव का बना। तो ये आया सेकंड वन कि जो चार्ज है वो अपने आप में क्या होता है, टू टाइप का होता है, और चार्ज को हमने कैसे करके यहां लिखा। थर्ड वाला पॉइंट अगर बेटा मैं यहां लिखूं तो थर्ड नंबर में यहां पे आता है कि अगर मान लो हमारे पास सिमिलर चार्जेस हैं, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए थर्ड वाला पॉइंट हम लिखेंगे कि द सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल द डिफरेंट चार्जेस attracts each other। अगर मान लो हमारे पास सिमिलर चार्ज हैं तो वो रिपेल करेंगे, और अगर वो कैसे हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, डिफरेंट चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला पॉइंट आता है, नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो चार्ज जो है वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। फिजिक्स में बहुत डिटेल में बताया जाता है। फोर्थ वाला जो पॉइंट बना कि जो चार्ज है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये केवल और केवल इट डिपेंड्स ओनली एट द मैग्नीट्यूड, नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। किस पे डिपेंड नहीं करता, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चार्ज कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास टू डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक है बेटा, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं कि उसकी डायरेक्शन कैसे बन रही है, बहुत क्लियर है बेटा। और अगर मान लो टू हमारे पास क्या है, सेम चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इससे कोई लेना देना नहीं कि वो जो हमारे पास चार्जेस हैं उनकी डायरेक्शंस कैसी है। यहां केवल और केवल क्या काउंट किया जाता है कि ये अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, मतलब जो हमारे पास चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सिमिलर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। गॉट द कॉन्सेप्ट। एंड अनदर कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि मान लो हमारे पास टू चार्जेस हैं लाइक दिस वन, मान लो एक चार्ज यहां पे है और दूसरा चार्ज हमारे पास यहां से r डिस्टेंस पे, दिस वन q1 और ये बना q2। और अगर मान लो q1 चार्ज जो है
एक दूसरे से क्यू टू चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे बेटा, आर की डिस्टेंस पे है। और अगर आप यहां पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो ये जो फोर्स होगा बिटवीन टू चार्जेस ये एक्ट करेगा अलोंग द लाइन बिटवीन टू चार्जेस। जो ये हमारे पास टू चार्जेस हैं इनके बीच में जो लाइन आपने ड्रॉ किया है इसके ऊपर जो फोर्स है वो फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा। दैट्स व्हाई अगर आप यहां से फोर्स निकालना चाहते हैं, अगर आप यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना चाहते हैं, तो यहां से बेटा जो टू चार्जेस हैं जो आर डिस्टेंस पे हैं एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स आएगा उस फोर्स को लिखा जाता है बेटा, फोर्स बराबर बनेगा 1/4πε0 हो गया, और यहां बनेगा Q1 × Q2 / क्या बनेगा, आर स्क्वायर बनेगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे यस एंड नो, ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो ये फोर्स है ये बराबर क्या बना, 1/4πε0, ये कांस्टेंट की वैल्यू है, Q1 Q2 चार्ज दो बन गए, और यहाँ पे जो R बना ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बनी। या इसी को एक दूसरे तरीके से लिखा जाता है कि फोर्स बराबर इसकी जगह आप K लिख सकते हैं, और यहाँ Q1 हो गया, Q2 हो गया, और नीचे क्या लिख दिया हमने, आर स्क्वायर। ऐसे बेटा इसे लिखा जा सकता है। बहुत क्लियर है बेटा, सभी बच्चों को ये टर्म्स याद होने चाहिए। कैसे करके, ये जो फोर्स है ये फोर्स जहां पे टू चार्जेस हैं और उनके लिए जो फोर्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो फोर्स कितना है। ठीक है बेटा, यहां पे याद रखने वाला कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लो SI यूनिट में आप क्या करते हैं, इस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे जो Q1 और Q2 है बेटा ये किस में होगा, कूलाम में होगा। किस में होगा, कूलाम में, SI यूनिट में। और अगर मान लो मैं आर की बात करूं तो आर किस में होगा, मीटर में होगा। इन दैट कंडीशन कि जो हमारे पास 1/4πε0 आता है या जिसे आप के मान रहे हैं, ये बराबर कितना होता है, 9×10⁻¹, इसकी वैल्यू इतनी बनती है। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना। और SI यूनिट के अलावा अगर मान लो आप CGS यूनिट की अगर बात करते हैं, तो Q1 हो गया, Q2 हो गया, ये किस में होंगे, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में होंगे, और यहाँ पे R जो होगा वो होगा सेंटीमीटर में, और जो 1/4πε0 जिसे आप बोल रहे हैं, K जिसे आप बोल रहे हैं, ये बराबर कितना लिया जाता है, और करके K लिख दिया, या और करके यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, K लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी बनी, यहाँ 1 लिया जाता है, और यहाँ कितना लिया बेटा, 9×10⁻¹। बहुत क्लियर है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला कंसेप्ट क्या है कि मान लो एक Q1 का चार्ज और एक Q2 का चार्ज है, और ये दोनों के दोनों R डिस्टेंस पे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, बिकॉज हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी यूनिट है वो तो ले नहीं सकते हैं, इसलिए जो स्मॉल यूनिट्स जो होती हैं उन यूनिट्स का यूज यहाँ पे करेंगे। इसलिए जो डिस्टेंस है यहां पे, जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है किसमें, एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है, उसको फर्मी मीटर में मेजर किया जाता है, उसको पिकोमीटर में मेजर किया जाता है, या उसको नैनोमीटर में या माइक्रोमीटर में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है बेटा, क्या बोला गया, ये सभी बच्चों को अब यहां से ध्यान रखना है कि अगर मैं यहां पे बोलूं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10⁻¹⁰ होता है। अगर मैं यहां पे बोलूं कि 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻¹⁵ होता है। या 1 अगर पिकोमीटर बेटा मैंने यहां पे लिखा, तो 10⁻¹⁰ होता है। अगर 1 नैनोमीटर अगर मैं बोल रहा हूं, तो 10⁻¹⁹। ठीक है बेटा, नैनोमीटर इतना लिख देंगे। अगर 1 माइक्रोमीटर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये बराबर 10⁻¹⁶ मीटर। इतनी जो कन्वर्जेंस हैं वो सभी बच्चों को ये कन्वर्जेंस याद होने चाहिए। अब इनका बहुत बड़ा रोल है इस लेसन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जेंस बहुत जरूरी है। आपको जितनी भी वैल्यूज गिवन हैं उनको या तो मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करो, या तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करो। जो ये वैल्यूज है इनका कन्वर्जन हर एक बच्चे को आना चाहिए। अगर बच्चों ये कन्वर्जेंस नहीं आते हैं, तो न्यूमेरिकल पैटर्न को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। जो हमारे पास ऑप्शन बनेंगे आंसर के, वो ऑप्शन हमारे करेक्ट नहीं बनेंगे। होप कि आपको ये चीजें आप याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है
फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वहां स्टार्ट करते हैं कि फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या बोलता है। ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नंबर फिफ्थ। नंबर फिफ्थ में हम ऐसा करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लो दो चार्जेस हैं और उनके बीच की डिस्टेंस आर है, सो हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, लेट अस मूव कि अब हमारे पास आया फिफ्थ पॉइंट आया और यहां से क्या करेंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू आर एट द आर डिस्टेंस। ध्यान से सुनेंगे बेटा कि क्यू वन और क्यू टू अगर आर डिस्टेंस पे हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी। ध्यान रखना सभी बच्चों को कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर बनेगा 1/4 πε0 हो गया, क्यू वन हो गया, क्यू टू और नीचे आ जाएगा आर। थोड़ा सा चेंज आया, देखो क्या चेंज आया कि वहां फोर्स जब निकाल रहे थे तो वहां पे आप आर का स्क्वायर कर रहे थे और यहां पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली तो यहां पे आर स्क्वायर के बजाय क्या कर दिया, आर कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को कैसे करके निकालेंगे। अगला पॉइंट आया हमारे पास दिस वन पॉइंट नंबर सिक्स, और पॉइंट नंबर सिक्स क्या बोलता है कि इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट एनर्जी, आपको क्या करना है, एनर्जी निकालनी है, आपको निकालना है पोटेंशियल। ये अपने आप में, ये अपने आप में दैट इज करके मैं लिखूंगा, ये अपने आप में काइनेटिक एनर्जी भी है या ये अपने आप में ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी है। कब निकालनी बेटा, व्हेन क्यू चार्ज एंड वी इज द पोटेंशियल, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो इन दिस कंडीशन If you want to calculate energy, अगर आप energy निकालना चाहते हैं तो क्या बनेगा, Q into V बनेगा बेटा। याद रखेंगे कि जो energy बनी वो energy कैसे बनेगी, This one E बराबर Q into V बनेगा। और E को तो भाई मैंने आपको बता ही दिया कि जो E है energy है, ये energy अपने आप में kinetic energy भी हो सकती है और ये अपने आप में potential energy भी हो सकती है। बहुत क्लियर है बेटा, जितना मैंने आपको ये बताया इसे बोला जाता है कि जितना चार्ज फोर्स जो आप निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो आप निकाल रहे हैं, ये सारा का सारा आपने जो निकाला इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये कहाँ पे आपने यूज किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो फोर्स निकाला, जो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली या जो एनर्जी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सारा का सारा मिलकर के आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में निकाला। अगर हमारे पास इसके बजाय इंस्टेड ऑफ दिस वन कि अगर हमारे पास कैसा हो, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हो तो उस कंडीशन में बेटा याद रखेंगे कि जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन या फोर्स बराबर एम इंटू जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो इसे लिखा जाता है एम जी एच, इसे ऐसे लिखा जाता है। अगर आप यहाँ पे दिस वन काइनेटिक एनर्जी अगर ये निकालना चाहते हैं तो इसे लिखेंगे 1/2 mv². ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर करके इसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, तो ये था भाई हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं। वन बाय वन एक एक करके मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया है। आशा है कि आप बच्चों को ये सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अगर हमें ये चीज क्लियर नहीं हुई तो आगे का ये जो लेसन है, इस लेसन के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि ये चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस मूव। एक टर्म बेटा यहाँ पे और आता है और उस टर्म को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके, इसे बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कैसे करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन किया जाता है, हाउ टू डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें बेटा आप, क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। ठीक है, तो यहां हमारे पास जो हेडिंग आई दिस वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे कि ईवी ऐसे करके लिखा जाता है। अब समझिए आप इस कंसेप्ट को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है।
ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां पे सिस्टम अप्लाई करते हैं, ऐसे बना दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ऐसे बना दिया, ये नेगेटिव पोल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, दिस वन नेगेटिव, दिस वन पॉजिटिव हो गया, ठीक है बेटा। और यहां पे जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूं 1 वोल्ट का, ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और अब ऐसा करते हैं कि यहां यहां जो 2 इलेक्ट्रोड्स है अपोजिटली चार्ज, ये नेगेटिव वाला हो गया, ये पॉजिटिव वाला हो गया, यहां पे हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इसके बीच में रखते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है। अगर यहां पे न्यूट्रॉन को रखते तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए उसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट होगा तो उसके अंदर क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बनेगी, ठीक है बेटा। तो यहां से अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करूं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की यूनिट है, ठीक है बेटा, विच मे बी डिफाइंड एज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज पुट, या व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज पुट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड अप्लाइंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनो बेटा, डेफिनेशन है ये, या आपको याद रखना है, और यहां से याद भी हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का रख रहे हैं, 1 वोल्ट का हमने पोटेंशियल डिफरेंस रखा, और यहां पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इट इज डिफाइंड एज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसके अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, या जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर रहे हैं, और 1 वोल्ट का हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे दे रहे हैं। बहुत क्लियर है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से वो जाना जाता है। अब यहां पे कंसेप्ट क्या है, अगर आपने भाई इससे बोला कि काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर, अभी आपने पढ़ा था कि ई बराबर क्या होता है, क्यू इंटू वी होता है, और मैंने आपको बोला था कि ये जो ई है बेटा, ये ई बराबर काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर यहां मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई यहां क्या काउंट करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, जो बराबर क्या बनेगा, क्यू इंटू वी बनेगा। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहां लिख दूंगा मैं, नाउ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ई, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई लिख देते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनेगा बेटा, क्यों की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, चार्ज लिख दूंगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, 1e लिख दिया इनटू क्या कर दिया हमने v, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख दिया हमने, 1e इनटू v, या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बना 1ev। ये आपको सभी बच्चों को ध्यान रखना है, यस एंड नो, बहुत क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ गया, 1ev आ गया। और आगे क्या ध्यान रखेंगे कि हमें पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, दिस वन 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलाम। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 1ev इक्वल टू क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलाम, और v की जगह पे कितना लिख देंगे, 1v लिखेंगे, जो बराबर कितना आएगा, 1.602 × 10⁻¹⁹, और ये कूलाम और वी,
मतलब सीवी, और याद रखेंगे कि 1 CV इक्वल टू होता है 1 जूल, कितना होता है जूल होता है, दैट्स व्हाई आपने क्या लिखा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 × 10⁻¹⁹ क्या लिख दिया जूल लिख दिया, बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। अभी तक आपने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने क्या लिखा 1 eV निकाल दिया था, काइनेटिक एनर्जी को 1 eV को आपने किसमें चेंज कर दिया, जूल में चेंज कर दिया, क्योंकि 1 C कूलम इनटू वोल्ट को मिला करके क्या बनता 1 जूल बनता, दैट्स व्हाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या बना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा 1.602 × 10⁻¹⁹, और ये क्या बना हमारे पास जूल में चेंज हो गया। ठीक है बेटा, अगर हम इस जूल को इफ यू वॉन्ट टू चेंज इंटू द किलो जूल पर मूल, आप चाहते हैं कि आप इसे किलो जूल पर मूल में क्या कर दें, चेंज कर दें, तो भाई किलो जूल पर मूल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझेंगे आप इसे। ठीक है बेटा, कि हमें पता है यू हैव टू चेंज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू किलो जूल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में आपने क्या करना है इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे कि यहां हमारे पास 1 मोल की अगर मैं बात करूं तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻²³। ये हमारे पास 1 मोल है। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, जो ईवी है उस ईवी को आपको किस में चेंज करना है, किलो जूल पर मोल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे कि जितना हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है 1.602 × 10⁻¹⁹ जो जूल है, क्या करेंगे 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल, ये जूल में है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि इसको किलो जूल में चेंज करो तो क्या कर देंगे बेटा, इसको 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, जूल को किलो जूल में चेंज कर रहे हैं, मतलब छोटी चीज को बड़े में चेंज करें तो डिवाइड कर दिया, इसलिए 10⁻³ से आपने डिवाइड कर दिया, और इनटू क्या बोला जा रहा, पर मोल बोला जाता है, तो 1 मोल 1 मोल बराबर कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर है ना, कितनी है 6.022 × 10⁻³, कितना बना 23। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो ये आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा, किलो जूल पर मोल में आ रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने जूल में निकाला, इतना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप किस में चेंज कर रहे हैं, किलो जूल पर मोल में चेंज कर रहे हैं। इसके लिए क्या किया आपने कि जो हमारे पास ये वैल्यू थी उसको आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया और 10⁻³ से डिवाइड कर दिया, इसलिए आंसर किस में आ गया, किलो जूल पर मोल। जब आप बेटे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो बनेगा अप्रोक्स जिसे बोलते हैं, ये बनेगा 96 बनेगा, और 96 क्या लिखा जाता है बेटा, इसे किलो जूल पर मोल, ये बराबर आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपने क्या किया, या मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल, या जो बराबर 96, ठीक है, किलो जूल और पर मोल, ये ऐसे करके बन गया बेटा। ठीक है बेटा, यस एंड नो, आगे आपको ये समझ में। ठीक है बेटा, तो ये बना बेटा हमारे पास कैसे करके हमने इनको जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कंसेप्ट है उसको चेंज किया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जो है वो हमने समझा। ठीक है, आशा है कि आप बच्चों को सभी को ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास आज वाला जो टॉपिक था ये। अब इसके बाद चलते हैं जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग दिस वन, एंड दिस वन इज कॉल्ड एटॉमिक मॉडल। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब चलेंगे बेटा एटॉमिक मॉडल पे। एटॉमिक मॉडल में बेटा सबसे पहले आया थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, एंड आफ्टर दैट जब ये एटॉमिक मॉडल आए कैसे करके इन्होंने कंसेप्ट दिया, कैसे करके न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, ठीक है, कैसे करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अरेंज किया गया, वो सारी चीज़ें अब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर एक एक करके 1 by 1 हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। तो हम चलेंगे बेटा अगला जो टॉपिक आया उसे बोला हमने एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है बेटा, और एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले चलेंगे
दिस वन थॉमसन थॉमसन्स कर दो, दिस वन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया इसने, थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया। इसने कहा अकॉर्डिंग टू थॉमसन, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम अपने आप में इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आगे क्या बोला इन्होंने कि इट कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटोन एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने क्या बोला कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण और प्रोटॉन की प्रेजेंस के कारण, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, नेगेटिव चार्ज होने के कारण, थॉमसन ने बोला कि एक एटम क्या होता है, अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आगे इन्होंने जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया वो क्या बोला कि इट कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू द पॉजिटिव स्फीयर। इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है। What do you mean by embedded? Embedded का मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो धसा हुआ है। कैसे करके, इस मॉडल को एक नाम और दिया गया, दिस वन इज कॉल्ड वाटरमिलन मॉडल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वाटरमिलन मॉडल। और वाटरमिलन आप सभी बच्चों को पता है कि जितने उसके जो सीड्स होते हैं, वाटरमिलन के अंदर जो सीड्स होते हैं, अगर आप उसे कट कर दो तो सीड्स जो आपको दिखाई देंगे वो सीड्स अपने आप में इलेक्ट्रॉन के जैसा काम करते हैं, और बाकी का जितना पोर्शन बचेगा वो सारा का सारा पोर्शन क्या होगा, एक पॉजिटिव स्फीयर होगा। बहुत क्लियर है बेटा, मतलब यहां मैं बोलूंगा कि दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड वाटर मिलन, और एक नाम और दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड प्लम पडिंग। क्या पढ़ते हैं बेटा, प्लम पडिंग मॉडल, या इसको एक नाम और देते हैं, रेजिन पडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि भाई ये जो हमारे पास एक एटम है, इस एटम के अंदर यहां पे रेगुलरली एक पॉजिटिव स्फीयर है। रेगुलरली क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है। ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे हम, ये पॉजिटिव स्फीयर हो गया, पॉजिटिव स्फीयर ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, और साथ में क्या बोला कि इसके साथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके साथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ये बना आपका दिस वन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा, और यहां ये क्या बना, दिस वन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। इतना सा मॉडल दिया था थॉमसन ने। थॉमसन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और कंसेप्ट क्या आया कि अगर मान लो मैं यहां पे ये बोलूं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल, कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक यही था कि जब 1909 में, जब 1909 में, कई जगह इसे 1909 बोला जाता है, कहीं 1911 भी लिखते हैं, 1909 में जब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया, या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आया, या स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया, या रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल आया, तो रदरफोर्ड का जब न्यूक्लियर मॉडल आया तो ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है ये उस रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
अगर ये थॉमसन के मॉडल को, सॉरी ये रदरफोर्ड के मॉडल को अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो इसका मतलब दिस थ्योरी एंड द मॉडल वॉज डिस्कार्डेड, ये फेल हो गया, ठीक है बेटा। और यहां से जो जनरेशन हुई वो किसकी जनरेशन हुई, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जनरेशन हुई। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, चलते हैं। अगला कंसेप्ट आया, उसे नाम दिया हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या बोल रहा है? नाउ अनदर वन, सेकंड वन ये लिखेंगे, दिस वन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या बेटा इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे बोला जाएगा रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या बेटा इसे बोला जाता है दिस वन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, या इसे बोल दो दिस वन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। इतनी सारी चीजें हैं यहां पे, इसे आप बोल सकते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोल सकते हैं, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल बोल सकते हैं, या रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप इसे नाम दे सकते हैं, ठीक है बेटा। और क्या चीज है ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या है गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट, क्या है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, वन बाय वन इसे सिखाएंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स, ठीक है यहां से ये मिटा लेता हूं मैं, और हेडिंग था हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, सबसे पहले तो हम चलेंगे टुवर्ड्स कि व्हाट वाज एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है बेटा। एक्सपेरिमेंट के ऊपर वर्क करते हैं तो ध्यान देंगे, यहां बेटा इसे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, यहां यहां इसके मिड में लेंगे दिस वन गोल्ड फाइल को लेते हैं, यहां हमने एक स्लिट जिसे बोलते हैं शील्ड हमने लगा दी, इसके बाद यहां पे हम एक ब्लॉक लेते हैं, जिस ब्लॉक के अंदर गोल्ड फॉइल को लेंगे बेटा, सॉरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेंगे, यहां लेंगे बेटा दिस वन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में आपको डिस्कशन करवाऊंगा, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के वजह कंपाउंड बोलना ज्यादा भला रहेगा, रेडियो एक्टिव कंपाउंड बोलूंगा, ठीक है बेटा। और विच इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, किसका सोर्स है, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ठीक है बेटा। यहां से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, पहले मैं आपको अल्फा पार्टिकल बता दूं, यहां लिखा मैंने दिस वन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, सभी बच्चों को ध्यान देना है, इसे सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है 2He4 के द्वारा, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फा पार्टिकल अपने आप में दिस वन हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस को ही क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल इसे बोला जाता है, ठीक है बेटा। इसके ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ये बनता है 2E, कितने का चार्ज बनता है, 2 यूनिट का चार्ज बनता है। और अगर मैं यहां पे मास की अगर बात करूं तो मास जो बनता है 4AMU करके इसे डिनोट किया जाता है। अल्फा पार्टिकल अपने आप में क्या होता है, दिस वन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, कैसा होता है बेटा, दिस वन पॉजिटिवली चार्ज। एक अल्फा पार्टिकल अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज होता है
ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर चार्ज 2 यूनिट का होता है, इसका मास जो है वो 4 यूनिट का होता है, 4 AMU से बोलते हैं। बहुत क्लियर है बेटा। अब क्या किया कि भाई यहाँ पे एक ब्लॉक लिया, लेड ब्लॉक इसे बोल सकते हैं, और इसमें क्या क्या रेडियो एक्टिव कंपाउंड को लिया जो अल्फा पार्टिकल को दे रहा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। एक स्लिट यहां इसे बोला जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड, ये क्या किया एक स्लिट है। व्हाट डू यू मीन माय स्लिट? स्लिट का मतलब हुआ कि जो रेज यहां से निकलेंगी उसको कॉन्सेंट्रेट करने वाला, जिससे कि रेज इधर उधर ना जाए। यहां से अल्फा पार्टिकल से निकले, और अल्फा पार्टिकल से निकलने के बाद जो गोल्ड फॉइल थी, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इसने क्या किया, स्ट्राइक किया, यहां से ये रेज निकल रही है, ठीक है बेटा। ये ऐसे करके जैसे ये रेज निकली, इससे पहले एक चीज थोड़ा और बता दूं कि यहां पे हमारे पास ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर यहां अंदर से जिंक सल्फाइड की क्या की गई, कोटिंग की गई, देयर इज कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड, ठीक है बेटा। ये सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि ये जो कोटिंग है, दिस इज द यहां लिख देंगे दिस वन ZNS कोटिंग फॉर किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। अल्फा पार्टिकल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यहां पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई, ठीक। अब जैसे यहां से ये रेज गोल्ड फॉइल, दिस वन क्या नाम है इसका, यहां लिख देंगे इसको अलग से, इसे बोला गया दिस वन इज कॉल्ड गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल को लिया गया। जैसे यहां से ये रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस था, इसने अल्फा पार्टिकल को यहां दिया, तो क्या देखा गया, व्हाट ही ऑब्जर्व, कि यहां से मैक्सिमम जो रेज थी, ठीक है, ये रेज यहां से क्या हो रही थी, सीधे आगे निकल रही थी, मतलब ऐसा बोलूंगा मैक्सिमम में जो रेज थी, अबाउट 99% रेज बिल्कुल आगे निकल रही थी, ठीक है। इनमें से कुछ में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था, ये डिफ्लेक्शन स्मॉल भी था, ये डिफ्लेक्शन लार्ज भी था, ऐसे दिखा देंगे दिस वन डिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। और कुछ डिफ्लेक्शन में ऐसा बोलूंगा दिस वन बाउंसिंग बैक, ठीक है, ऐसे करके रेज वापस आ रही थी, ठीक है, दिस वन बाउंसिंग बैक, मतलब इसको बोला जाता है कि बहुत कम परसेंट में, अबाउट 1 out of 20,000 रेज में से एक जो रे थी वो क्या हो रही थी, बाउंसिंग बैक कर रही थी। इसका मतलब क्या है, वो कंक्लूजन सारा आपको बताया जाएगा, ऑब्जर्वेशन आपको बताया जाएगा। ये ऐसे था, यहां इसे लिख दूंगा मैं पहले दिस वन फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट लिख दिया यहां पे, ठीक है, ये ZNS की कोटिंग होगी, ये गोल्ड फॉइल हो गया। यहां अगर आप बोले तो यहां पे डिफरेंट एंगल से क्या हो रहा है, ये यहां तो नहीं बोलेंगे, यहां तो सीधे निकल रही है, ये एंगल बन रहे हैं, ये ऐसे एंगल बन रहे हैं। अब इसको थीटा कुछ भी बोल दो, मान लो आपने इसे थीटा 1 बोल दिया, इसे थीटा 2 बोल दिया, यहां थीटा 3 बोल रहे हैं, इधर थीटा 4 बोल रहे हैं, कैसे भी आप इसे बोल सकते हैं। इधर जो एंगल बन रहा है इसे आप थीटा, केवल थीटा काउंट कर लो, जो बराबर जो वापस आ रहा 180 डिग्री से वापस आ रहा था, बाउंसिंग बैक कर रहा था, ठीक है बेटा। तो ये यहां पे थीटा बन गया दिस वन, ठीक है बेटा। नाउ यहां पे हम लिखेंगे अनदर कंसेप्ट, यहां मैं थोड़ा और लिख देता हूं, एक वो लिखूंगा, यहां एक माइक्रोस्कोप बनाते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया हमने, एक माइक्रोस्कोप लिखूंगा यहां पे, और उसे लिख देंगे मूवेबल माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ सेंटिलेशन, जो यहां पे अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर जाएंगे, उस अल्फा पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए भी क्या हो गया यहां पे, उसकी जो सेंटिलेशन जो चमक बनेगी, उस चमक को आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पे क्या किया, उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक मूवेबल माइक्रोस्कोप का यूज किया गया, ठीक है बेटा। ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई, तो यहां से क्या देखा गया, ये था भाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कि रदरफोर्ड ने क्या किया, अब ध्यान से सुनो, यहां सबसे पहले क्या किया, रेडियोएक्टिव सबस्टांस को लिया, वो रेडियोएक्टिव सबस्टांस को किसके ऊपर स्ट्राइक करवाया, बोम्बार्ड करवाया,
जो गोल्ड फॉइल है, इसे गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाने के बाद यहां से रेज आगे निकल रही थी, ठीक है। कुछ में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था, कुछ में बहुत ज्यादा, मतलब डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा बन रहा था, मतलब वो बाउंसिंग बैक कर रही थी और वापस आ रही थी, ठीक है। अब यहां से उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, व्हाट वाज एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या था, और उसके बाद व्हाट वाज ऑब्जर्वेशन, सेकंड पार्ट क्या बना कि ऑब्जर्वेशन क्या था। तो सेकंड पार्ट में यहां लिखूंगा कि व्हाट वाज ऑब्जर्वेशन, कि इसका एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन उन्हें क्या मिला। तो यहां लिखूंगा कि जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा कि अबाउट 99% 3 पॉइंट बनते हैं बेटा यहां पे ऑब्जर्वेशन के। पहला पॉइंट क्या है कि अबाउट 99% रेज पास्ट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। क्या बोला गया बेटा कि अबाउट 99% रेज पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल को पास करके आगे निकल गई थी, कितने परसेंट में बेटा बोला, दिस वन 99%, 99% रेज क्या हो गई है, बिल्कुल आगे निकल गई है, ठीक है। नाउ द सेकंड वन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, यहां लिखूंगा फ्यू रेज आर, या फ्यू रेज गेट डिफ्लेक्टेड और विद, या गेट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल और फ्यू रेज गेट डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, ठीक है बेटा। क्या बोला गया, सेकंड वाला पार्ट बना कि फ्यू रेज, कुछ रेज क्या थी, गेट डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल के साथ में उनमें डिफ्लेक्शन बना, और फ्यू रेज के अंदर क्या हुआ, लार्ज एंगल के साथ में क्या बना, डिफ्लेक्शन बना। या थर्ड नंबर का पॉइंट बोलूंगा कि वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज, और यहां लिखूंगा 1 out of 20,000 गेट डिफ्लेक्टेड बाय वेरी लार्ज एंगल विच इज अबाउट 90 degree और 180 degree, या इसे हम क्या बोलेंगे, अगर वो 180 पे आ रहा है तो इसे बोलेंगे बाउंसिंग बैक, इसे बोला जाता है, ठीक है बेटा। ये इनका ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि भाई 99% जो रेज है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के आगे निकल गई, और फ्यू रेज में क्या था कि एक स्मॉल एंगल के साथ में डिफ्लेक्शन था, फ्यू रेज के अंदर लार्ज क्या कहते हैं कि डिफ्लेक्शन था लार्ज एंगल के साथ में। थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है कि जो स्मॉल परसेंटेज है, मतलब 20,000 में से जो वन है, वन रे, उसके अंदर क्या हो रहा है, दिस वन डिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये डिफ्लेक्शन भी किस एंगल से हो सकता है, ये 90 डिग्री के एंगल से हो सकता है या 180 डिग्री के एंगल से हो सकता है, विच वन इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक, इसे बोला जाता है, ठीक है बेटा। ये था इनका ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के बाद जो तीसरा पार्ट इनका बना, उसे नाम दिया कंक्लूजन, व्हाट ही कंक्लूडेड, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे यहां पे कंक्लूजन से पहले मैं ऑब्जर्वेशन का एक डायग्राम बना लेता हूं, वो डायग्राम यहां ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे मान लो यहां पे ये पॉजिटिव स्फीयर है, और यहां से क्या हो रही है, रेज निकल रही है, ऑब्जर्वेशन का कंसेप्ट है, यहां से जो रेज यहां से पास हो रही है, इधर से पास हो रही है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के आगे जा रही है,
लेकिन जैसे ही इसके नजदीक गई तो यहां से क्या होगी, इनमें डिफ्लेक्शन होगा, ये ऐसे निकल गई। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे आप, ऐसे करके कंसेप्ट दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, ऐसे करके बना दिया, मतलब अगर यहाँ एक रे और ले जाऊँ तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे, या यहाँ से रे ले जाएं तो ऐसे ले जाएंगे, मतलब इनके अंदर क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था। ठीक है बेटा, यहाँ क्या है, दीज आर, ये कौन से रेज हैं, अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स है, और यहाँ पे यहाँ लिख देंगे दिस वन, इन्हें बोलेंगे अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे दिस वन डिफ्लेक्शन, सारा बता दिया, यहाँ भी क्या हो गया दिस वन डिफ्लेक्शन। और हम ऐसा भी बोलेंगे कि एक रेज मान लो आपने यहाँ से भेजी यहाँ, तो यहाँ से क्या होगी, बिल्कुल वापस होगी, मतलब यहाँ से जा रही थी और यहाँ पे ये 180 डिग्री के एंगल से क्या होगी, वापस होगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या था, ऑब्जर्वेशन था कि भाई यहाँ जो अनडिफ्लेक्टेड थी वो कितनी रेज गई बेटा, 99% रेज यहाँ से क्या होगी है, बाहर निकल गई। ठीक है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बाकी का जो 1% था उस 1% के अंदर डिफ्लेक्शन बना, और ये जो डिफ्लेक्शन बना, इस डिफ्लेक्शन के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन जो बना वो 180 डिग्री का बना, बाउंसिंग बैक जिसे बोला जा रहा है। तो यहां से भाई अब इसे देख करके कंक्लूजन क्या निकला, अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं और कंक्लूजन की अगर बात करें तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि जो एक क्या कहते हैं कि एटम है, उस एटम के अंदर ठीक है उसका जो ये मिड वाला जो पार्ट होता है, इस मिड वाले पार्ट के अंदर एक पॉजिटिव स्फीयर है। क्या चीज है बेटा, पॉजिटिव स्फीयर है, और इस पॉजिटिव स्फीयर के कारण ही जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उन अल्फा पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, बाउंसिंग बैक होता है, या मैक्सिमम क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, और बाकी का स्पेस जो होता है इस एटम के अंदर वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। बाद में जाकर के रदरफोर्ड ने जब इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड किया तो उन्होंने बोला कि ये जो पॉजिटिव स्फीयर है ये अपने आप में डेंस है, ये पॉजिटिव चार्ज का है, और इसके ऊपर पूरे एटम का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, और उन्होंने ही इसे क्या नाम दिया, उन्होंने ही इसे क्या नाम दे दिया बेटा, दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, इसे न्यूक्लियस नाम दिया। तो बेटा इसके बाकी के जो पॉइंट्स होंगे वो जो अगला वीडियो में आपको सेंड करूंगा उसमें सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि आज के वीडियो की लेंथ वैसे भी लंबी हो गई है। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू, आशा करता हूं कि जितना कुछ मैं करवा रहा हूं वो सारा का सारा आप समझ रहे होंगे, और अगले वीडियो में इससे आगे वाला जो पोर्शन होगा, जो एटॉमिक मॉडल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको अगले वाले वीडियो के अंदर सेंड करूंगा। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स।